ये एक स्पेशल डिश है यहाँ का उन्नीपम। उन्नीपम और ये दुकान इसके लिए मशहूर है। ये दुकान जो है जहाँ हम खा रहे हैं रास्ते पे, टोल पट्टी के रास्ते पे है, और यहाँ पे ये उन्नीपम खाने बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और इसे खा के जाते हैं। जैसे हमारे शहर में वहाँ सेंसे आश्रम जाके चाय पी के आते हैं, या मैगी पॉइंट में जाके मैगी खा के बच्चे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये उन्नीपम खाने आते हैं। मैं भी खा के देख रहा हूँ, कुछ लग तो रहा है कि अरसा है जैसे हमारे यहाँ। अब ये खा के देखता हूँ, गुलगुला का मिक्सर है। ये गुलगुला है, चावल भी है ना? चावल तो है लेकिन खाने में ये अरसा नहीं, गुलगुला लग रहा है। गुलगुला तो ये एक स्वीट यहाँ की डिश है और बड़ी मज़ेदार है दोस्तों। और साथ में ये गलत मत समझना यार, चाय है ये, चाय नहीं है, ये ओल्ड मग है। ओल्ड मग ये आपका है, मैंने दूसरे की चाय उठा ली और किसी का चाय उठा लिया। लेकिन जब इंसान की बात आते हैं, इसे छोटी 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 गलतियां होती है और ये प्यारी सी गलतियां। ये यहाँ पर दो नदियों का संगम स्थल है। ये नदी है, ये मानंद वाली नदी आ रही है उपनम्बरम, और फिर यहाँ से बन जाती है ये कबनी नदी जो है, मानंदवाड़ी नदी और पनमरम नदी, ये दोनों मिलके कबनी बन जाती है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इनका संगम स्थान है पीछे, और ये आगे जाके कर्नाटक में कावेरी नदी के साथ मिलती है और कावेरी नदी आगे कर्नाटक से होके तमिलनाडु में जाके तंजावुर के पास बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। और ये कबनी और केरल में पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली दो नदियां हैं, ये कबनी और दूसरी भवानी, पूरब की तरफ जाके कावेरी में मिलते हैं। केरल में कुछ 40 नदियां हैं जी, वो सारे अरब सागर में मिलती है। और ये जो दो नदियां हैं भवानी और कबनी, ये पूर्व दिशा में जाके बंगाल खाड़ी में मिलती है। हाथियों का विहार रंग है। ओ, इस सामने जो आप जंगल घना देख रहे हैं नदी पार, वहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाथी ही रहते हैं यहाँ पे। हाथियों का बिहार है ये, एक रिजर्व फॉरेस्ट, इनका रिजर्व है ना, वाइल्ड लाइफ। इस समय एक गांव के एक चाय के एक ढाबा है, और उस ढाबे में बैठ के इस नदी के किनारे चाय पीने की इच्छा है, तो रुक गए यहाँ पे चाय पीएंगे। चाय पीते हैं और फिर आगे घूमने चलते हैं, है ना? तो चलेंगे आगे, घूमेंगे और केरल के कुछ गांव की कुछ जगहों को, और वहाँ घूमते हुए वो जगहें मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा, उनको मैं पहुँचाऊँगा अपने चैनल घुमक्कड़ चांदा के। खूब सारे सुपारी के पौधे लगे हैं यार, और बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, देखो जरा आप लोग भी, है ना, एक सुंदर सा दृश्य सामने पैदा हुआ है, और हम चल रहे हैं इस पर। ये देखिए अभी हम इस रास्ते पे हैं और अभी पैदल जा रहे हैं घर की तरफ जहाँ हम ठहरे हुए हैं। आज दिन भर खूब घूमेंगे, नदी देख ली, मगरमच्छ देख लिया, हिरन देख लिए, कर्नाटक तक हुआ है, बिल्कुल यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था कर्नाटक का ज़िला, तो कर्नाटक भी हुआ है।
दो नदियों का संगम भी देख लिया और अब जो है चल रहे हैं पैदल अपने मंजिल की। देखो यार, ये केले के भी यहाँ खेती हो रखी है, ये पूरा केले की खेती है, है ना। अच्छा लग रहा है ना, केले छोटे छोटे पेड़ और एक साथ लगे हुए, बिल्कुल एक नाप से समान दूरी बनाए हुए केले के खेत, अच्छा लुक दे रहे हैं। ये सब ग्रीन वॉरियर, ग्रीन वॉरियर देहरादून है, सेना हरित सेना है, इसी गांव के हैं, इबड़े वाला तो आलकारे ने हां, इसी गांव के लोग, इसी गांव के हैं, देहरादून साइंस फोरम, साइंस फोरम एंड भारत ज्ञान विज्ञान समिति से हम लोग हैं। तो यहां पे केरल केसेस पी जो है स्वास्थ्य परिषद और दोस्त हैं हमारे, प्लास्टिक यूज नहीं करना, निसर्ग को संरक्षण करने। ये अब हम इनके साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब जो हरित सेना ग्रीन वॉरियर और इस धरती से इसके पर्यावरण को बचाने के लिए इसके सेव एनवायरनमेंट सेव अर्थ बहुत कुछ काम लोग कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू नन्नी। तो आप घुमक्कड़ चालदा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट भी करें ताकि मैं अगली बार अपने वीडियोस के अंदर उसके प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ सुधार कर पाऊँ। तो उसको आप जरूर करिएगा, जरूर कमेंट्स करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए घुमक्कड़ चालदा। मिलेंगे फिर अगली बार किसी नई जगह पर किसी नए मुद्दे के साथ में, देखते रहिए घुमक्कड़ चालदा। गुड बाय, थैंक यू।